चंद्रयान 3 के चांद पर कदम रखने से पहले जाग उठा चंद्रयान 2। एक ही झटके में हिल गई नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां, मचा पूरी दुनिया में हड़कंप। दोस्तों, जिस चंद्रयान 2 को पूरी दुनिया फेल समझ रही थी, अचानक फिर से जिंदा हो उठा है। चंद्रयान 2 ने क्रांतिकारी इन्फॉर्मेशन इसरो को दी है, ये जानकर चीन के तो होश उड़ गए हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी में तो तहलका मच गया है। चंद्रयान 2 ने वो करके दिखाया है जो चीन का यान नहीं कर पाया, इसलिए और तड़प रहा है चीन। उसके रातों की नींद हराम हो गई है, नासा भी हक्का बक्का हो गया है कि ये कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने चांद की जो जानकारी दी है वो चंद्रयान 3 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग कराने में अहम भूमिका निभाने वाला है। चंद्रयान 2 ने ये जानकारी उस वक्त दी है जब चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचने वाला है। किसी को भी नहीं पता था, इवन इसरो को भी नहीं, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों में ये खुशी समाई नहीं जा रही है। फिर से डॉक्टर के सिवन के आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े हैं। 140 करोड़ भारतीयों का दिल गार्डन गार्डन हो गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। सब कुछ सही चल रहा था, इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी का माहौल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लेकिन 7 सितंबर का वो दिन आता है जो किसी को भूलता नहीं है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग ही करने वाला था, चांद की जमीन से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ही दूर था। तभी इसरो का उससे संपर्क टूट जाता है और अचानक चांद की जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है। मानो उस समय इसरो के वैज्ञानिकों पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। डॉक्टर के सिवन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन मोदी ने किसी तरह के सिवन के मनोबल को बढ़ाया और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 3 बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, इसरो का भरोसेमंद योद्धा चंद्रयान 2 ने क्या क्रांतिकारी करामत किया है, उससे पहले बता दें कि इसरो ने फिर से चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट किया है। बेंगलुरु में टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 को कमांड भेजा जा रहा है। जैसे ही इसरो ने बटन दबाया, वैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया और देखते देखते चंद्रयान 3 चौथा अर्थ ऑर्बिट मॉनिटरिंग पूरा करते हुए 71,000 किलोमीटर पार पहुंच गया। अब एक बार और अर्थ ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा, उसके बाद इसरो एक बार फिर इंजन स्टार्ट करेगा और चंद्रयान 3 अर्थ से 1,00,000 किलोमीटर दूर चला जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने वो करके दिखाया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, इवन इसरो भी। इसरो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था। अचानक चंद्रयान 2 के एक्टिव होने से इसरो में एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। अब तो पूरी तरह से भरोसा हो गया है कि चंद्रयान 3 100% सफल होगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने चांद की सतह का हाई रेजुलेशन तस्वीर खींचकर चांद की सतह का नक्शा बनाकर तैयार कर दिया है, जो चंद्रयान 3 को स्टेप बाय स्टेप सॉफ्ट लैंडिंग कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये चांद की सतह पर बड़ी बड़ी चट्टानों और बड़े बड़े गड्ढों का पहचान कर चुका है, जो इन चट्टानों से टकराने और गड्ढों में गिरने से चंद्रयान 3 को पहले से ही सावधान कर रहा है, क्योंकि यही गलती चंद्रयान 2 में हुआ था और चंद्रयान 2 बड़े से गड्ढे में समा गया था। चंद्रयान 2 की मदद से चंद्रयान 3 को उतारने की एकदम सही लोकेशन का पहले से ही पता चल चुका है। चंद्रयान 2 ने चांद पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की मौजूदगी का पता लगाया है, जो कि रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये भारत को मालामाल कर सकते हैं। यही नहीं, चंद्रयान 2 ने चांद के साउथ पोल पर पानी और बर्फ की पहचान कर ली है। यही जानकारी हासिल करने के लिए नासा समेत यूरोप स्पेस एजेंसी और चीन सदियों से लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। चंद्रयान 2 ने चांद के बाहरी वातावरण को स्कैन किया है, साथ ही साथ सन रेज में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को माप लिया है, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 खुद को बचाते हुए आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित मून ऑर्बिट में 10,000 से ज्यादा चक्कर पूरा कर चुका है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन होने की पुष्टि की गई है। 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर 62 डिग्री साउथ के बीच
बीच हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेत मिले हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि चांद के जिस हिस्से में सनरेज पड़ती है वहां ये संकेत मिले हैं। और दोस्तों 2008 में भारत द्वारा भेजा गया पहला मून मिशन चंद्रयान 1 ने भी बहुत पहले चांद पर पानी होने के संकेत दिए थे, जिसे नासा ने भी एक्सेप्ट किया था। दोस्तों बता दें, चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर लैंड करेगा उस वक्त चंद्रयान 2 अपना जलवा दिखाने वाला है। चंद्रयान 2 की वजह से ही चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों जब चंद्रयान 3 चांद के लास्ट ऑर्बिट में पहुंचेगा जहां से लैंडिंग शुरू होगी, उस जगह कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है, धरती से सीधे संपर्क जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसरो चंद्रयान 3 पर नजर बनाए रखने के लिए चंद्रयान 2 के हाई रेजोल्यूशन कैमरे का सहारा लेगा। चंद्रयान 2 चांद की सतह का स्कैनिंग करके सेफ लैंडिंग एरिया की पहचान करा के चंद्रयान 3 के उतरने में मदद करेगा। दोस्तों यही तकनीक चीन ने भी अपनाई थी चांगे 4 को चांद के साउथ पोल पर उतारने के लिए, पहले से ही रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज रखी थी, उसी की मदद से चांगे 4 से संपर्क बनाए रखा था और सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो गया था। लेकिन इसरो चंद्रयान 3 को साउथ पोल के जिस एरिया में उतारना चाहता है वहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, इवन चीन भी। इसलिए यहां यान को उतारना बेहद कठिन टास्क है। इसरो के कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर चंद्रयान 3 100% सफल हो जाता है तो भारत के हाथ बहुत बड़ा खजाना लग जाएगा, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां बेताब हैं। दोस्तों चांद के साउथ पोल यानी अंधेरे वाले हिस्से में हीलियम 3 मौजूद है, जो कि दुर्लभ तत्व है, धरती पर तो पाया ही नहीं जाता, ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। इस तत्व की मदद से न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, बिजली जनरेट की जा सकती है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इससे कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं निकलता, कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता, पूरी तरह से क्लीन एनर्जी मिलती है। सूरज में भी इसी प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर ये हीलियम 3 भारत को मिल जाता है तो भारत बेहद ताकतवर बन जाएगा। हो सकता है कि भारत ऐसी तकनीक बना ले जो सूरज की गर्मी को कम कर दे, ऐसा न्यूक्लियर वेपन्स बना ले जिसका कोई तोड़ न हो। अभी धरती पर न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम से प्रोड्यूस की जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से, जो कि बेहद खतरनाक है क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। हीलियम 3 इसका समाधान हो सकता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 ये पता करेगा कि चांद पर भूकंप कैसे आते हैं, चांद का वातावरण कैसा है, चांद पर पानी है कि नहीं, चांद पर जीवन है कि नहीं, चांद पर इंसानी कॉलोनी बनाने लायक इन्वायरमेंट है कि नहीं। इन सभी इंफॉर्मेशन की वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी सटीक जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों जिस तरह अभी चंद्रयान 3 अर्थ ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है, अभी एक चक्कर यानी पांचवां चक्कर बाकी है। उसके बाद चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, वहां भी 5 चक्कर लगाएगा, उसके बाद फाइनली लैंडिंग कराई जाएगी। 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर उतर सकता है। वो दिन भारत के लिए गर्व की बात होगी, जश्न मनाने का बिगुल बज जाएगा। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।